सुशांत सिंह राजपूत निधन केस के मामले में कई तरह के एंगल निकलकर सामने आए हैं। जहां नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इस केस से जुड़े ड्रग एंगल की जांच कर रही है, तो वहीं ईडी मनी लॉन्ड्री एंगल को देख रही है। इस बीच बीते दिनों एक ऐसी भी खबरें सामने आई है कि अब सीबीआई सुशांत के साथ साथ दिशा सल्यान के निधन की गुत्थी को भी सुलझाने की कोशिश कर सकता है। दिशा सल्यान केस में अब चौंकाने वाली खबरें सामने आ रही है। सुनने में आ रहा है कि दिशा सल्यान के खास दोस्त स्टीव पिंटू का कार एक्सीडेंट में निधन हो गया है। स्टीव पिंटू दिशा सल्यान के करीबी दोस्त थे और वह दिशा के निधन की खबर सुनने के बाद काफी टूट भी गए थे। दिशा सल्यान के निधन के बाद स्टीव पिंटू ने सोशल मीडिया पर इशारों इशारों में काफी कुछ कहने की कोशिश भी की थी। स्टीव पिंटू के सोशल मीडिया पोस्ट को खंगालने पर पता चला कि वो अपनी बात खुलकर कहने के बजाय हैशटैग के जरिए कहने की कोशिश करते थे। स्टीव पिंटू ने हैशटैग के माध्यम से कोलकाता मिस्ट्री, प्रोस्टिट्यूशन और ट्रैफिकिंग की ओर इशारा करने की कोशिश की थी। इशारों इशारों में स्टीव पिंटू ने सूरज पंचोली, महेश भट्ट, करण नावरेकर और सलमान खान का नाम लिया था। स्टीव पिंटू के निधन की खबर सुनने के बाद फैंस काफी निराश हुए और कई लोगों ने शक जताया कि स्टीव पिंटू किसी ने मारा है और उनका कार एक्सीडेंट नहीं हुआ है। सामने आ रही जानकारी के मुताबिक स्टीव पिंटू का निधन बीते जुलाई के महीने में ही हो चुका था। कई दिनों से लोग स्टीव पिंटू को लेकर आशंका जता रहे हैं क्योंकि वो सोशल मीडिया पर पिछले एक महीने से एक्टिव नहीं थे। फिलहाल तो देखना होगा कि सीबीआई को दिशा सल्यान निधन केस से जुड़े क्या क्या जानकारियां मिल सकती है। चैनल फिल्मी अड्डा से राहुल गुप्ता की रिपोर्ट।